मेरा सवाल है कि ये जो अभी रिसेंटली ट्रंप ने 7 मुस्लिम ममालिक के ऊपर बैन किया है, इसके आप किस तरह देखते हैं और इसका क्या असरात होंगे आगे? तुमने कल की खबर नहीं सुनी? उसको जमा की एक कोर्ट ने उस बैन को कैंसिल कर दिया, पोस्ट अभी उस पर उसको सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद उसके डायरेक्टर ने उसने कहा कि मैं करूंगा और ये पागल है जज हैं, और हालांकि पागल वो खुद है, जज पागल है, और मैं इसको लेके जाऊंगा और अपील करूंगा। वो कोर्ट में जाएगा, चले आ गया, लेकिन मेजॉरिटी उनके अपने लोग जो हैं, इसकी जो अपनी होम सेक्रेटरी थी पहले या जो भी अपॉइंटेड थी, उसने इनकार कर दिया था, डिपार्टमेंट को कह दिया था कि नहीं इस पर अमल करना, उसको उसने निकाल दिया, नया रख ली। वो पहले औरत थी, अब मर्द शायद रखा है, और तो खुद उसके खिलाफ वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। और फिर ये है कि इन 7 मुल्कों में से बड़ा डॉक्यूमेंटेड है, उनको वहाँ वो कह भी जा रहा है कि इन मुल्कों में से कभी भी इस तरह के नहीं, जिन मुल्कों के लोग दहशतगर्दी करते रहे अमेरिका जाके, उनमें उनको बैन नहीं किया। सऊदी अरब है, दूसरा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और इनके लोग कभी भी नहीं गए, कोई दहशतगर्दी इनकी तरफ से नहीं हुई। इन पर बैन लगाया तो सिर्फ वो है जाती दुश्मनी। तो पागलों की बात, मेरा ख्याल था कि प्रेसिडेंट बन के शायद ये नहीं करेगा, कल आ जाएगी इसे, तो मैंने कई जगह प्रेस में कहा कि मेरा ख्याल है कि नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस हद तक इंसान हो, लेकिन मेरी सारे ख्याल गलत हो गए। ये तो इंसान क्या है, तो सबसे बड़ा पागल है। और अभी हजूर सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं इसको बने, अभी 4 साल आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए शायर ने कहा था, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह ताला रहम करे।